अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सल्लू डॉट चिल्ड्रन। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हलवे की रेसिपी जो मैं बीटरोट से बनाकर तैयार करूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत टेस्ट बनता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने 1 किलो यहाँ बीटरोट लिया है, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और मैंने यहाँ 1/2 कप काजू और बादाम लिया हुआ है, और 2 चम्मच देसी घी लिया है, और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई इलायची पाउडर लिया है, और 1 कप शुगर। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को निकाल लिया है, आप देख सकते हो। इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पहले ही यहाँ कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया था। कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है, मैं इसमें घी ऐड करूँगी। घी हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट ऐड करके थोड़ी देर इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। अब देखिए हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ग्रेट किया हुआ बीटरूट डालूँगी। बीटरूट को मैंने 1 सीटी के लिए गला लिया था। अच्छे से बीटरूट को घी में फ्राई कर लूँगी। अब मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड करके भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ऊपर से मैं इलायची पाउडर ऐड करूँगी। इलायची पाउडर ऐड करके 10 से 15 मिनट तक मैं अच्छे से हलवे को पका लूँगी। इसका सारा पानी सूख जाना चाहिए, तब तक पकाऊँगी। आप देख सकते हो इसका सारा पानी अच्छे से सूख चुका है, हमारा हलवा एकदम बनकर तैयार हो चुका है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने हलवे को सर्व कर लिया है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही जल्दी बनता है दोस्तों, बहुत 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। मैंने ऊपर से और थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर इसे गार्निश कर लिया है। दोस्तों, आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह।